ऑक्सीजन पहुंचाया, हमने दवाइयां पहुंचाई है, हमने क्या नहीं किया इस देश के लिए। और आप पूछते हैं कि ड्राइवरों की औकात क्या है। महादेव सभी को, आप सभी का स्वागत करता हूं एक और वीडियो में। तो गुरु, कल एक मीटिंग रखी गई थी एमपी के शाहजहांपुर में, जहां के डीएम साहब ने ड्राइवर से उसकी औकात पूछी थी कि तुम्हारी औकात क्या है। पहली बात तो आप एक बहुत रिस्पॉन्सिबल इंसान हो, आप जनता सेवा के लिए चुने गए हो, आपने पढ़ाई की, आपने यूपीएससी क्लियर की, आप आईएएस बने, आप जो भी बने, आप उस पद पे हो, आप एक जिला अधिकारी हो, पहली चीज़ तो ये है। और उस बंदे ने क्या बात कही थी, वीडियो मैं दिखा देता हूँ। क्या बोल रहे था, समझ रखो, क्या करोगे तुम, क्या औकात है तुम्हारी? यही तो चीज है सर, हमारा यही लड़ाई, हमारी कोई नहीं, ये कोई लड़ाई ऐसी होती है, हम हाथ जोड़ के आपसे। तो एग्जैक्ट यही बात कही थी इस बंदे ने कि हमारी लड़ाई तो यही है कि हमारी औकात नहीं है। सुबह ही मैं ट्वीट देख रहा था, डॉक्टर मोहन यादव हैं, उन्होंने हटा दिया उन्हें, जो मुख्यमंत्री अभी एमपी के नए मुख्यमंत्री हैं उनको हटा दिया गया है। और ये औकात है, देखिए डीएम साहब, ये हमारी औकात है, एक ड्राइवर की औकात ये है। और हमारी औकात इतनी है कि उसका अंदाज़ा आपको नहीं है कि एक ड्राइवर की औकात क्या है। एक ड्राइवर इस देश के अर्थव्यवस्था का जो है ना, वो पहिया कहा जाता है। और तीन दिनों में इसका अंदाज़ा सबको लग गया होगा कि अगर ड्राइवर स्ट्राइक पे उतरते हैं तो इस देश के अर्थव्यवस्था पे कितनी बड़ी गिरावट आती है, सप्लाई चेन रुक जाएगा। हम इस देश के सैनिक हैं, पहली चीज़ आपको ये बता दें, चाहे वो डीएम साहब हो, कोई भी हो, देखिए इस देश के हम सैनिक हैं। हम वो लोग हैं ना, रोटी के लिए ज़रूर पैसे कमाते हैं, सड़कों पे होते ज़रूर हैं, लेकिन हमारे अंदर भी सेवा भाव है। हम लोग कच्चे सब्जी में गाड़ी चलाते हैं, हमारे मन में एक चीज़ चलता है कि सामने वाले का नुकसान ना हो, टाइम पे सब्जी पहुँचे, सस्ती सब्जियाँ हों, लोगों तक पहुँचे, महंगाई ना बढ़े। हम भी देश के रिस्पॉन्सिबल नागरिक हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं इस देश के, और हमारी पूरी दायित्व तो बनती है काम करना, हमारा भी फर्ज है इस देश के लिए काम करना। आप डीएम हैं तो क्या आप पैसे नहीं कमा रहे? आप भी नौकरी अपने पैसे और पावर के लिए ही कर रहे हो। सब लोग पैसे के लिए काम करता है, लेकिन उस पैसे के पीछे की जो जिम्मेदारी है कि किसी को बिना कष्ट दिए, किसी को बिना कष्ट पहुंचाए, हम जो पैसे कमा रहे हैं उसके पीछे जो काम कर रहे हैं, अपने काम को निष्पक्षता से करें, ये सबसे बड़ी बात होती है। अगर आपको किसी की औकात देखनी थी तो आपको मीटिंग नहीं बुलानी चाहिए कि आप किसी का औकात देखें। और हमारे औकात का तो आपको पता चल ही गया होगा कि कितनी ड्राइवरों की औकात है। और सच में हमारी लड़ाई हमारे औकात के लिए है। ये आपके छोटे मोटे हवलदार हमारे कॉलर पकड़ लेते हैं, गाड़ी में बैठ जाते हैं, ऐसे पकड़ के खींच देते हैं, कभी कभी चमाट मार देते हैं, उनकी इतनी, अब मैं बोलता हूँ कि उनकी औकात नहीं है हम लोग को छूने की, बट वो छूते हैं। क्या औकात है किसी की, क्या औकात है? हम किसी को भड़का नहीं रहे, बट हम इतना पूछना चाहते हैं, आप इस समाज में न्याय और सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है कि किसी के साथ गलत ना हो, और सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी आपको दी गई है। आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, आप लोगों के पास डिग्रियां हैं, आप आईएएस पीसीएस एसपी डीएम कलेक्टर बन के आप बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी का औकात देखना ये उचित नहीं है, क्योंकि हम जो है, हमारी सच में कोई औकात नहीं है, और बहुत बड़ी औकात है। हमें आरटीओ पकड़ लेती है, हमारी औकात देखती है, हमें पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, हमारे औकात देखते हैं, हवलदार जिनकी पेपर, जिनको पेपर चेक करने की पावर नहीं दी गई है, वो हमारी औकात देखते हैं। तो क्या सच में हमारी औकात ये है? नहीं, हमारी औकात कहीं बड़ी है, और हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं। हम चुपचाप बिना किसी चीज़ को किए हाथ जोड़ के घर पर आके हम बैठ जाएँ 10 दिन, इस देश की अर्थव्यवस्था गिर जाएगी, इस देश की, लेकिन इस देश के हम लोग एक जिम्मेदार नागरिक हैं, और हम इस देश को कभी गिरने नहीं देंगे, क्योंकि ये देश जितना आपका है, ये देश उतना हमारा है। इस देश के लिए जितना आप डेडिकेटेड है, उतना इस देश के लिए हम लोग भी डेडिकेटेड हैं, क्योंकि इस मिट्टी, इसी मिट्टी की रोटी हमने भी खाई है, वही खून हमारे भी शरीर में बह रहा है, तो इस मिट्टी का कर्ज हमारे ऊपर है जितना आपके ऊपर है। आप एक रिस्पॉन्सिबल पद पर बैठे हो, फ़र्क सिर्फ इतना है, बट जो जिम्मेदारी हमने ली है वो जिम्मेदारी हमारी भी बहुत बड़ी है कि बिना हम समय से चीज़ें पहुँचाएँ, लोगों तक चीज़ें पहुँचे, जो ये पूरी सिस्टम बनाई गई है उस सिस्टम को हम साथ लेके चलें। लेकिन हमारे कष्ट, हमारी परेशानियों को कोई नहीं समझता है। आप क्या बताएंगे, कोविड के टाइम पे हम लोग, कुछ नहीं मिल रहा था कोविड के टाइम पे, पूर्णतः लॉकडाउन थी, कोई दुकानें नहीं खुली थी, इवन बिस्कुट चाय तक नहीं मिलता था, हम लोग बिस्किट चाय नहीं मिलता था,
36 घंटे जो है बिना खाए हम लोग ने सड़कों पे चला है, लोगों तक सब्जियां पहुंचाई हैं। आप किन ड्राइवरों की बात करते हैं? हमने मेडिकल का ऑक्सीजन पहुंचाया, हमने दवाइयां पहुंचाई है, हमने क्या नहीं किया इस देश के लिए? और आप पूछते हैं कि ड्राइवरों की औकात क्या है? तो आज से कोई DM, SP ये कोई नहीं पूछेगा ड्राइवरों की औकात क्या है। हमारी औकात साहब कुछ नहीं है, हाथ जोड़ते हैं हम लोग, हमारी औकात कुछ नहीं है। लेकिन अब तो आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि हमारी औकात क्या है। तो एक ड्राइवर होने के नाते बुरा लगता है जब हमारी कोई औकात पूछता है, हमें चलते सड़क पे कोई जो है कॉलर पकड़ लेता है और गाली दे देता है, जिसकी जिसकी एक्चुअल में कोई औकात नहीं होती है वो भी हम लोग को गाली देता है। और कल को सब लोग हम खड़े हो गए थे 2 दिन के लिए, देश में अफरा तफरी मच गई, डीजल नहीं मिल रहा, पेट्रोल नहीं मिल रहा, सब्जियां महंगी हो गई, कितने हज़ार करोड़ का नुकसान हो गया। किस लिए हुआ? ये हमारी गलती तो थी नहीं, हम हक के लिए तो सब लड़ता है, हमने भी लड़ा। लेकिन ये लड़ाई हमें अच्छी नहीं लगती है ना कि हम किसी को कष्ट दे के हम लोग लड़ाई लड़े। हम लोग इस देश के एक जिम्मेदार व्यक्ति और नागरिक हैं। जितना इस देश पे आपका हक है उतना हमारा भी है। हमारे टैक्स के पैसे से सारी सैलरी आती है, लोगों की चीज़ें चलती है, अर्थव्यवस्था चल रहा है, देश चल रही है। आप कुछ भी मैन्युफैक्चर कर लीजिए, पहुंचाएंगे तो हम ड्राइवर हैं, सेफ्टी के साथ टाइम पे आपका डिलीवरी हो, सारी चीज़ें ना। तो ये हम एक ड्राइवर हैं, इस देश का ड्राइवर होने के नाते ये मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं उनकी तरफ से बोलूं और ख़ुद की बातें भी बोलूं कि हमारी औकात को न देखा जाए। हम बहुत छोटे लोग हैं, हम भी इस देश के एक सिपाही हैं, बस हमारा कहना इतना है। एक जवान कब जो है बॉर्डर पे शहीद हो जाता है उसको नहीं पता होता है, क्योंकि कब कौन सी गोली किधर से आ जाए, कब जंग हो जाए और कब वो अपनी प्राण को त्याग दे। हम ड्राइवर भी सेम है, कब चलते हुए कहाँ गड्ढे में कूद जाएंगे, कहाँ डाइवर्जन गलत होगा लड़ जाएंगे, कब कौन सी गाड़ी मार देगी, कब हमारी मृत्यु, हमें नहीं पता है। महीनों महीनों घर नहीं आते, 15-15 दिन बच्चों से नहीं मिलते, बच्चे का जन्मदिन बीत जाता है, बाप कब आता है, एनिवर्सरी बीत जाती है, कभी नहीं आता यार। ये नहीं समझेंगे ये लोग, ये ड्राइवरों की दुख है। पैसा सबको चाहिए क्योंकि रोटी तो कमानी है, पेट दिया है, पापी पेट का सवाल है, सब करेगा। लेकिन इस तरह से काला कानून लाना और ड्राइवरों को बुला के उनकी ही मीटिंग में कह देना कि तुम्हारी औकात क्या है, नहीं चाहिए। क्योंकि हम लोग बहुत हम्बल लोग हैं, हम इस देश में चलते हैं, हम एक चींटी को भी बहुत प्यार से क्रॉस करते हैं ताकि मरें, हमारी दायित्व तो बनता है ये हम सेफ्टी के साथ इस देश को चलाएं। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस देश को आगे ले जाने में हर एक व्यक्ति का हाथ है, एक व्यक्ति का, माचिस से लेके जहाज बनाने वाली कंपनी की, सुई से लेके पहाड़ तक तोड़ने वाली कंपनी, तो ये हम देश के नागरिक हैं, ये हम भारतीय हैं यार, पहले इंसान बाद में पहले भारतीय हैं। देश पे आज जब बात देश की आएगी तो आज तो कभी आने नहीं देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं DM साहब। वैसे आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि सुबह ही DM साहब को उनके पद से हटा दिया गया है। बस वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता देना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।